बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। सो हेलो गाइस, मैं हूं जितराज, सबको मेरे फर्स्ट ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और भाई मेरे बारे में बोले तो भाई मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं, और भाई मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने ब्लॉग के द्वारा कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और भाई चलो, हमारे यहाँ आस पास एक रिवर है, तो चलो भाई चलते उस रिवर की तरफ। तो गाइस हम पहुंच गए रिवर के पास, वो है रिवर, आप यहाँ से देख सकते हो, और इसका चारों तरफ का नज़ारा भी देख लो भैया एक बार। तो चलो भाई फिलहाल चलते रिवर के और भी पास, और पास से जाके आपको दिखाते हैं भैया। तो गाइस ये है अपना रिवर, कितना बढ़िया और खूबसूरत है भैया, एकदम पूरा एकदम ज़बरदस्त जिसको बोले यार एकदम। और भाई इधर देखो यार, पानी के बहाव की वजह से रोड का क्या हालत हो गया। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर रेत से बना हुआ कुछ शिवलिंग है, शायद से लोगों ने यहाँ से जल उठाया था भोले बाबा के सर पर जल चढ़ाने के लिए। तो भाई फिलहाल इसको प्रणाम करते और यहाँ से थोड़ा निकलते भाई भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद। तो गाइस क्या हम इस पानी को पार कर सकते हैं, क्या बोलते हो भाई, एक बार कोशिश करके देखे क्या। चलो देखने में क्या आ जाता है भाई, एक बार देखते हैं कोशिश करके कि हम इसको पार कर सकते हैं कि नहीं। चलो जूता इधर ही रख देते हैं भाई, इधर जूता फेंकते, चलो भाई चलते अब। और अपने साथ एक लट्ठी भी है ताकि हम ना गिरे। चलो भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते कितना पानी है इधर, कोशिश तो कर ही सकते भाई थोड़ा सा। हाँ पानी बहुत ज़्यादा तो है नहीं। चलो भाई यहाँ भाई धस रहे, पैर धस रहे हैं भाई रेत में, तो भाई हम जाएंगे नहीं क्योंकि जान का खतरा हो सकती है। तो गाइस आज की ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और उम्मीद है कि आज की ब्लॉग देखकर आपको अच्छी लगी। ब्लॉग अच्छी लगे तो ब्लॉग को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस घर जाते टाइम अपने यार पीछे जो झाड़ियाँ है चारों तरफ से देख सकते हो भाई, कितने झाड़ियाँ झाड़ियाँ से भाई अजीब अजीब से आवाज़ आ रही है भाई।